आखिर क्यों मनाई जाती है धनत्रयोदशी? धनत्रयोदशी का पौराणिक महत्व क्या है और धनत्रयोदशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा देखें। एक बार विष्णु भगवान वैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आने के लिए निकले, तब माता लक्ष्मी जी ने भी आग्रह किया कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो आप मानेंगी तभी मैं आपको ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी शर्तें मान लेती हूँ। तब लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु पृथ्वी के लिए निकले। पृथ्वी पर जब पहुँचते हैं तब भगवान विष्णु रास्ते में लक्ष्मी जी को कहते हैं, आप यही ठहरिए, मैं कुछ विलक्षण दिशाओं में जाकर आता हूँ, वहीं से लौटकर आऊँगा, तब तक आप यहीं ठहरिए। और भगवान विष्णु चले जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी की इच्छा होती है कि आगे चल के क्या होगा। वो दक्षिण दिशा की ओर निकलती है और उन्हें वहाँ सरसों के खेत दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर लहराते हुए फूलों को देखकर लक्ष्मी जी फूलों को तोड़ के अपना श्रृंगार बना लेती हैं। फिर आगे बढ़ती हैं। आगे उनको गन्ने के खेत दिखाई देते हैं। लक्ष्मी जी गन्ने का आनंद लेती है। बहुत ही मीठे रस का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हुए उन्हें भगवान विष्णु सामने से आते हुए दिखते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपने मेरी शर्तों का पालन नहीं किया, आपने सरसों के फूल और गन्ने की चोरी करके आपने किसान का ऋण लिया है, इसीलिए 12 वर्षों तक आपको किसान के यहाँ रहकर उसकी सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लौट गए और लक्ष्मी जी उस किसान के घर रहने लगी। लक्ष्मी जी ने एक दिन किसान की पत्नी से कहा कि आज रसोई घर से पहले मैंने जो लक्ष्मी देवी की मूर्ति बनाई है तुम उसका पूजन करो और उसके बाद रसोई बनाना, जिससे तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी। किसान की पत्नी ने स्नान करके लक्ष्मी जी की मूर्ति का पूजन किया तो लक्ष्मी जी ने उसका घर धन धान्य स्वर्ण अलंकार से भर दिया। किसान के यहाँ 12 वर्ष आसानी से कट गए। फिर 12 वर्षों के बाद जब लक्ष्मी जी को लेने के लिए विष्णु भगवान जी पधारते हैं तब किसान लक्ष्मी जी को भेजने से इनकार कर देते हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ये तो चंचला है, कहीं पर भी स्थिर नहीं होती, इसको मेरा श्राप था इसलिए ये 12 वर्षों तक रही। फिर भी किसान लक्ष्मी जी को जाने नहीं दे रहा था। तब लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, कल त्रयोदशी है यानी कि 13, तुम कल घर को साफ सुथरा करके मेरा पूजन करो, चांदी के कलश में 1 रुपया रखकर गणेश जी का पूजन करो, जिससे मैं सदैव तुम्हारे घर में निवास करूंगी। और इसी प्रकार किसान ने किया और लक्ष्मी जी ने किसान को मनोवांछित फल का प्रदान किया। किसान जो चाहता था वे सभी प्रकार के फल पूर्ण हुए। वैसे ही इस धनत्रयोदशी के दिन हम माता जी यानी लक्ष्मी जी का पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ यदि उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हमारी भी मनोकामना पूर्ण होती है और लक्ष्मी जी सदैव हमारे घर में निवास करती हैं। तो आपको भी धनत्रयोदशी की शुभकामनाएं और आप भी धनत्रयोदशी को पूरा श्रद्धा रख और निष्ठा के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करें और अपने मनोवांछित फल को निश्चित करें। धन्यवाद।